मेरा बन जाए तो मैं उसके लिए अपना बैकुंठ अपनी द्वारिका छोड़ सकता हूँ अपने भक्त के लिए। छोड़ दी सिंहासन पर बिठाया सुदामा, अपने भक्त को भगवान अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं और खुद भक्त के पांव धुलते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त जाते हैं। सुदामा जी पर भगवान की अत्यधिक कृपा हुई, विशेष कृपा हुई और भगवान ने कहा, मित्र ये बताओ मेरी भाभी ने क्या दिया है। सुदामा पोटरी छिपाने लगे, पोटरी भगवान ने छीनी, वो कपड़ा याद आ गया जो पीतांबर उड़ाया था। वाह मेरे मित्र, अभी तक संभाल के रखा है मेरी यादों को। सुदामा ने कहा, कन्हैया आप जैसे मित्र को भी क्या कोई कभी भूल सकता है। पोटरी खोली भगवान ने, मुट्ठी चावल मुट्ठी में भरे, कच्चे चावल एक मुट्ठी चावल ग्रहण किया और खाते हुए कहा, वाह मेरे मित्र जो स्वाद मुझे आज इन चावलों में आ रहा है वो द्वारिका के 56 भोगों में भी मुझे नहीं आया ये स्वाद, क्योंकि वो चावल प्रेम में भीगे हुए, प्रेम रस है उनमें। दूसरी मुट्ठी चावल की भरी और जब ग्रहण करने लगे, माँ रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, इसलिए कि प्रभु सब आप ही खा लेंगे, ऐसे भक्तों का प्रसाद हम सबको भी तो मिले थोड़ा थोड़ा। सबको प्रसाद स्वरूप भगवान ने दिया और सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल ही दिए। अच्छा, सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया आप बता सकते हैं? क्या दिया? चावल दिया ना, चावल नहीं थे वो। उस समय सुदामा जी की पूरी संपत्ति कुल 4 मुट्ठी चावल ही थी, तो सुदामा ने चावल नहीं बल्कि अपना सर्वस्व सुदामा जी ने भगवान के कदमों में डाल दिया। मैं अपने सर्वस्व आपको चढ़ा रहा, सब कुछ दे रहा, सब दे दिया। यही है, सब कुछ जब आप देते हैं तो फिर भगवान आपको बहुत कुछ देते हैं। इसलिए सुदामा को भगवान बड़ा लाड़ प्यार कर रहे हैं, बचपन को याद कर रहे हैं। और आपसे बस मेरी इतनी विनती है कि देखो, सुदामा के एक मुट्ठी चावल खाके भगवान ने उन्हें कई लोगों का स्वामी बना दिया है, कई लोगों की संपदा दे दी है। बस आप बस इतना जानो, इतना समझो कि जब आप भी अपने ये हाथ देने के लिए बढ़ाएंगे तो परमात्मा भी आपको बहुत सारी संपदा देंगे, पर आपको ये हाथ बढ़ाने होंगे। सुदामा जी को भगवान ने बहुत प्यार दिया। जब गए सुदामा जी मिलकर, तो सुदामा जी जब अपने घर पर गए तो वहां कोई कुटिया वटिया नहीं, राजमहल बन गए। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये राजमहल मिल गए हैं पर अब मन अपना भगवान में ही लगा रहे, ये राजमहलों में ना लगे, भगवान के चरणों में मन लगाकर सुदामा जी ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं जहां अपनी गोपियों से अपनी माँ से भगवान ने भेंट की। भगवान ने अपनी माँ यशोदा गोपियों से 100 साल बाद मिले हैं। देवकी माँ ने कहा, हमारे पुत्रों को लौटाइए, तो भगवान ने जो कंस ने देवकी के पुत्र मार दिए थे ना, उन सबको भगवान ने लौटा दिए हैं, जीवित करके वापस किए सबको। 6 बच्चों को लौटाया, 6 को मारा था कंस ने, 7वें बलराम जी, 8वें श्री कृष्ण। प्रभु जी पर भगवान की कृपा हुई। सांब का पेट में कपड़ा बांध के जाना, संतों का अपमान होना, पेट में मूसल निकलना और सारे आपस में लड़के मरने का यादवों को श्राप लगना, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाकर शिक्षा पाई। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश
सब चीजों से एक एक शिक्षा पाई है, सिर्फ सीखा है। जो जहां से सीख मिले हमें प्राप्त करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखा कि पृथ्वी सहनशील होती है, हमें भी सहनशील होना चाहिए। ऐसे 24 गुरु पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबको, चंद्रमा सूर्य कबूतर पृथ्वी पृथ्वी वायु आकाश आपो गणेश चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहारिणो मीना पिंगला कुर्रोर भका कुमारी शरकृत सर्प पूर्ण नाभि सुपेश कृत। सारे यादव आपस में शादी के बाद खाना बना।